नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ इंडिया में। आज हम आए सुदर्शन पार्क के अंदर, जानते हैं वहाँ के लोगों की राय, क्या कहना है उनका इस बार चुनावों के बारे में। सर क्या कहते हैं, इस बार अगर चुनाव होते हैं तो कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री? जी हमारे हिसाब से तो इस समय केजरीवाल जी बैठे हैं और वही आगे भी बैठना चाहिए। अब आगे तो उनकी किस्मत ही जाने। अरे अभी आप कुछ कह रहे थे रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले, वो क्या कह रहे थे आप? आ जाओ बुला के लेके आओ। हाँ मैं तो यही कह रहा था जी, देखो अगर मशीन रहेगी तो केजरीवाल जी नहीं आ पाएंगे मुख्यमंत्री में दिल्ली में। मशीन के बगैर जब तक वोटिंग नहीं होगी तब तक कोई दूसरी सरकार नहीं बन सकती है। अच्छा, आपको लगता है कि वाकई में ही मशीनों में गड़बड़ी है? बिल्कुल, हमको क्या, सैकड़ों आदमी, 101 आदमी को लगता है, क्योंकि सुदर्शन पार्क में, बसई में, मोती नगर में उनको हम ज़्यादा से तो नहीं कह सकते 80% वोटिंग जो है केजरीवाल जी को मिला हुआ है, क्योंकि उन्होंने काम कर रखा है इस क्षेत्र में। क्या काम किया अरविंद केजरीवाल ने? हॉस्पिटलों में सुविधा अच्छी है, मरीजों के लिए दवाइयाँ और फैसिलिटी, साफ सफाई, और टाइम से डॉक्टर लोग मरीज से बाकायदा बात करते हैं और उनका इलाज ठीक से करते हैं। शौचालय गरीबों के लिए फ्री है, अगर एक घर में 5 मेंबर हो तो महीने के 1500 रुपये फ्री उनके हो गए, तो क्यों नहीं उनसे खुश होंगे वो? फिर बिजली पानी हाफ रेट है, वो क्यों नहीं खुश होंगे? अब आगे उनकी किस्मत में क्या है वो तो वही जाने या उर पवाला जाने। अजय नाम है सर। अजय जी कहाँ रहते हैं आप? हम यहीं सुदर्शन पार्क में रहते हैं। अजय बात बताइए, चुनावों का दौर अभी भी खत्म हुआ और लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, आपको क्या लगता है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री किसे बनना चाहिए? केजरीवाल को ही बनना चाहिए जी। क्यों? क्योंकि उसके जैसे जो काम है कोई नहीं कर सकता, बिजली पानी हर चीज़ में सहूलियत, हॉस्पिटल में सहूलियत। आप तो गुनगाने लग गए, मगर फिर लोकसभा का चुनाव क्यों हार गए? लोकसभा का चुनाव की देखो बात हो, लोगों ने ये बोला कि वो मोदी का चुनाव है, ये आपका जी दिल्ली स्टेट का चुनाव है। जो दिल्ली स्टेट में काम करे हैं केजरीवाल ने, क्या बीजेपी कांग्रेस 70 साल से थी कभी काम किया उन्होंने? क्या काम? आपके विधायक कौन है? हमारे विधायक श्री शिवचरण गोयल जी हैं। आते हैं इलाके में? हाँ बिल्कुल आते हैं जी, काम करवाते हैं। करवाते हैं जी, बहुत काम उन्होंने, जितने काम कराए ना कभी कांग्रेस ने ना बीजेपी ने, आज तक जिंदगी में नहीं कराया उन्होंने जो काम उन्होंने कर दिया। विधानसभा जो है ये दिल्ली के पूर्व सीएम रहे हैं, जो अपना मरूम सीएम मदन खुराना जी रहे हैं, तो उन्होंने काम नहीं करा मदन खुराना ने? खुराना जी ने कोई इतना काम किया, बट जो इन्होंने कर दिया काम, 70 साल से जो लटक रहे थे, कहीं पानी की लाइन नहीं है, कहीं रिसीवर है, कहीं कुछ चेंज कराया, उन्होंने जो काम कराया मुझे लगता है कि मोदी जी ने या मतलब खुराना जी ने इतने काम नहीं करे जो इन्होंने कर दिए। मेरे ख्याल से बहुत काम किए। फिर मैं वही बात कर रहा हूँ भाई साहब, आपसे वही सवाल दोबारा करूंगा, आप कह रहे हैं मदनलाल खुराना ने बढ़िया काम कर दिया, तो मदद काम करने के बाद भी फिर लोकसभा चुनाव क्यों हार गए? देखो सर एक बात बताओ, मदनलाल खुराना जो काम किए वो दिखे नहीं, ये जो काम करे सब दिख रहे हैं, आपके सामने हैं, आप इसको बेशक देख सकते हो। हॉस्पिटल्स देख लो, स्कूल्स देख लो, आप पार्क देख लो, ये आपके हॉस्पिटल में 1 का हॉस्पिटल बना दी आचार्य भिक्षु, हर एक चीज़ फ्री, आप एसी रूम है सारे, आप देखो जाके। हाँ जी भैया, आज की डेट में आप किसी भी दिल्ली के अस्पताल में चले जाएं, मैं एक नागरिक होने के नाते कहता हूँ, जब सरकारी किसी अस्पताल में दवाइयाँ फ्री होती, इलाज फ्री होता है, तो उस अस्पताल के बाहर टेस्ट की दुकानें और दवाइयों की दुकानें क्यों फली फूलती हैं? आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद हॉस्पिटल के बाहर जो केमिस्ट होते हैं वो परेशान हैं, वो इसलिए परेशान है कि उनकी दुकानदारी बंद हो चुकी हुई है, सारी दवाइयाँ मिलती हैं। जो इम्प्रूवमेंट आप कंपेयर करें, जो इम्प्रूवमेंट आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद बुनियादी स्तर पर हुए हैं, आप मोतीनगर क्षेत्र में खड़े हैं, मोतीनगर एक ब्लॉक में पानी की नई पाइपलाइन डली, मोतीनगर दो ब्लॉक में पानी की लाइन डली, तीन ब्लॉक सारी भी आपने अच्छाइयाँ गिनानी शुरू कर दी, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ई ब्लॉक, एफ ब्लॉक। मेरा सवाल वहीं का वहीं खड़ा है कि सारे काम कराए तो फिर लोकसभा चुनाव क्यों हार गए? देखिए आज की डेट में जो पैटर्न है पॉलिटिक्स का, वो एक इंडिया का जो पैटर्न है एक अमेरिकन स्टाइल पैटर्न हो गया, पर्सनैलिटीज़ का चुनाव हो गया, इसमें इस सच्चाई को हमें मान लेना चाहिए। आपका मानना है कि अरविंद केजरीवाल की पर्सनैलिटी इतनी बड़ी नहीं है? आप यदि बिना काटे और माइक को जब तक मैं ख़त्म ना कर दूं मेरे पास ही रखें, आप बात को पूरी होने दें। जो लोकसभा का चुनाव था उसमें पर्सनैलिटीज़ वर्सेज पर्सनैलिटी चुनाव था, दिल्ली विधानसभा का जो चुनाव है, अरविंद केजरीवाल की जो पर्सनैलिटी है, जो शख्सियत बन चुकी है, वो मुख्यमंत्री केजरीवाल वर्सेज आज भी सवाल है हु, मनोज तिवारी या विजेंद्र गुप्ता, कौन है सामने उनके, या कांग्रेस की तरफ से शीला दीक्षित, कौन है? 15 साल शीला दीक्षित ने राज किया है,
15 साल शीला दीक्षित जी ने राज किया और उन खुद अपनी विधानसभा की सीट नहीं बचा पाई वो नई दिल्ली क्षेत्र से। अरविंद केजरीवाल जी तो सारी सीटें हार के दिल्ली की। अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं लड़ रहे थे, ये चुनाव वो तो मोदी से लड़ने भी तो गए थे वाराणसी जी, वो 5 साल पुरानी बात थी। उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री बने 67 विधायकों के साथ, अप्रत्याशित उन्होंने जो है बहुमत लिया और इस बार वही रिपीट हो रहा है। दिल्ली की जनता का एक सर्वे जो अभी पोस्ट इलेक्शन एक सर्वे हुआ है CSDS लोक नीति का, उसमें 25% लोगों ने जिन्होंने मोदी और कांग्रेस को वोट दिया वो आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली में वोट करेंगे। आप उस सर्वे को देख लीजिए। आप सहमत हैं इनकी बातों से? जी हाँ मैं सहमत हूँ। सबसे बड़ी सहमत है कि हमारे बच्चे आज स्कूल में अच्छे क्वालिफिकेशन ला रहे, पढ़ रहे हैं और अच्छा काम हो रहा। आज प्रिंसिपल टाइम से आ रहे हैं, स्कूल का आप हुलिया देखिए बहुत अच्छा। तो कहते हैं बढ़िया थी पढ़ाई वगैरह हो रही है? हो रही है जी हाँ। देखिए आप रिजल्ट देखिए, 99 तो मैं ये देख रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी का रिजल्ट देख रहा हूँ जिसमें सातों सीटें हार गए। सातों सीटें हारने की आप एक बात, सातों सीटों पड़ गए दिल्ली के पीछे पड़ गए अरविंद केजरीवाल। लोग 42 सीटों पे आकर के वो लड़ रहे थे वो हार गए उनकी। आप देखिए मोदी का कैंपेनिंग हम नहीं कर सकते क्योंकि मोदी एक प्रधानमंत्री, अच्छी प्रधानमंत्री है, मैं उनकी तारीफ करता हूँ आज भी कि वो देश के लिए प्रधानमंत्री बेस्ट है और CM हमारा केजरीवाल बेस्ट है। आप सहमत हैं इनकी बात से? बिल्कुल 100% सहमत हूँ। दिल्ली का क्या नाम है? मेरा नाम संपत राम है। संपत राम जी कहाँ रहते हैं आप? यही सशस्त्र पार्क में रहते हैं। अरे बाप दही, चुनावों का दौर अभी खत्म हुआ है और लोकसभा विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, आपको क्या लगता है दिल्ली का मुख्यमंत्री किसे बनना चाहिए? अरविंद केजरीवाल को। क्यों बनना चाहिए? ऐसा नहीं जो स्कूल में है, बिजली पानी है, पार्क है, बहुत अच्छी सुविधा है, इसलिए। सुविधा पहले नहीं थी? पहले इतनी नहीं थी। हॉस्पिटल में चले जाओ, कांग्रेस के राज में जो दवाई, सरकारी हॉस्पिटल तो कांग्रेस के राज में भी थे, बीजेपी के राज में तो राज में है। ऐसा नहीं सरकारी राज में, सरकारी हॉस्पिटल में दवाई लिखनी थी एक चार दवाई, बाहर की दवाई लिखते थे। आज की दवाई, आज दवाई लेने जाओ तो बाहर की दवाई नहीं लिखते, वो दवाई है ना वो हॉस्पिटल में मिलती है। इलाज अच्छा होता है? हाँ जी बढ़िया होता है। अच्छा सब इलाज भी अच्छा होता है, दवाइयाँ भी मुफ्त मिलती हैं, तो अरविंद केजरीवाल जी सातों सीटें क्यों हार गए? अब जी अब तो वो ऐसा ना जैसे सातों सीटें गए जी, वो तो प्रधानमंत्री का चेहरा था, एक मोदी के नाम से ही वोट बढ़ाए कहते ना, जैसे सातों सीटें हैं, मनोज तिवारी और भी MP जो खड़े हुए हैं, सिर्फ वोट किसी को नहीं मिला, सिर्फ मोदी के चेहरे के नाम से वोट मिला है और कहूँ नहीं मिला है। सहमत आप इनकी बात है? मोदी के चेहरे को, इधर आज थोड़ा था, मोदी के चेहरे को वोट मिला है या काम को वोट मिला है? मोदी के चेहरे को वोट मिला जी। काम तो कुछ नहीं किया, काम तो कुछ नहीं हुआ। जो अरविंद केजरीवाल जी एजुकेशन फ्री कर दी है, एजुकेशन हो गया है, हॉस्पिटल की अच्छी दवाई मिलती है और हमारा पानी फ्री हो जाता है और कई चीज़ें, मतलब बिजली में हमें कितनी राहत मिल गई है, 400 यूनिट तक इतनी राहत मिल गई है। राहत तो मिल गई है, फिर इलेक्शन क्यों हार गए? इलेक्शन क्यों हो गए? वो मोदी के चेहरे की वजह से आ रहे हैं जी। एक बालाकोट का क्या कर दिया उसके बाद तो लोग इतने दीवाने हो गए कि केजरीवाल साहब को भूल ही गए। एक वो बालाकोट वाला सा। आपका क्या नाम है? राहुल नाम है जी मेरा। राहुल जी कहाँ रहते हैं आप? मैं यही रहता हूँ सुदर्शन पार्क में। अच्छा आप बताइए सुदर्शन पार्क में रहते हैं, क्या हुआ है आपके इलाके में काम? हमारे इलाके में जी बहुत काम हुआ है, ये पार्क में भी काम हुआ है, स्ट्रीट लाइटें वगैरह लगी हैं, ये लगा काम हो रहा है यहाँ पे, धड़ाधड़ पाइपलाइनें डल रही है, गली बनी है यहाँ पे। हम कुमार खन्ना। अंकल जी कहाँ रहते हैं आप? हम यहाँ सुदर्शन पार्क ये ब्लॉक में रहते हैं, शिव मंदिर। चुनावों का दौर अभी भी खत्म हुआ और विधानसभा का चुनाव आने वाले हैं, आपको क्या लगता है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? दिल्ली का मुख्यमंत्री तो केजरीवाल जी बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ काम किए हैं, इस चीज़ को हम सहमत हैं, समझे नहीं? अभी जो कह रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन हुआ है, मशीनों में कुछ गड़बड़ है लोग कह रहे थे, अब क्या कह सकते हैं, हमारी कोई सुनवाई है नहीं सुनवाई। बताइए कहाँ रहते हैं? ये 24 ब्लॉक 3 नंबर में रहती हूँ। मतलब बताइए चुनावों का दौर अभी भी ख़त्म हुआ, वोट किया था? दिया था। अच्छा इस बार फिर विधानसभा का चुनाव आने वाले हैं, आपको क्या लगता है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री किसे बनना चाहिए? जो उसके लायक है वो बनेगा। लायक कौन है मुझे तो पूछ रहे हो? आपने 5 साल अरविंद केजरीवाल काम देखा, क्या लायक है अरविंद केजरीवाल? बिल्कुल है, पर सब तो पहले साड़ी प्रॉब्लम हल करो, साड़ी इतने सारा पानी चढ़ जाता है, गटर इन्ने खराब है, सड़क बरसात है साढ़े अंदर पानी बढ़ जाता है और किन्नी बारी कह चुके हैं कोई मनता ही नहीं।